हे गाइस, मैं हूं पिंकी आर्या एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक डेमो एंड ट्राइड एंड टेस्ट आउट वीडियो करने वाली हूं। तो आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने वाली हूं वो है मोनसा ब्लैक चारकोल मास्क, जो ये मुझे रिसीव हुआ था मार्च मंथ के ग्लैमिगो बॉक्स में। अगर आपने मार्च मंथ के ग्लैमिगो बॉक्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी या आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो ये मैंने पहली बार ऐसा कोई भी चारकोल फेस मास्क ट्राई नहीं किया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं, इस वजह से मैं डरी हुई रहती हूँ और मैंने कभी भी कोई खरीदा भी नहीं है। लेकिन ये मुझे ग्लैमिगो बॉक्स में मिला था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना मिनी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं और देखते हैं कि कैसा काम करता है। तो फर्स्ट मैं ये बता दूं कि मैं इस मास्क को अपने पूरे चेहरे पर नहीं यूज करने वाली हूं क्योंकि मुझे फेशियल हेयर है यहाँ पे, तो वो डेफिनेटली हर्ट करेंगे। तो इतना ज्यादा रिस्क ना लेते हुए मैं सिर्फ इसको अपने नोज एरिया में ट्राई करूंगी। तो ये कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ आता है और अंदर एक ट्यूब पैकेजिंग है। इसका जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज। डेफिनेटली ये अफोर्डेबल मास्क तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर है कितना मिली लीटर ये आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। कहाँ लिखा हुआ है यार, 100 मिलीलीटर। तो ये 100 ml आता है 1000 रुपीज का, जो कि चलेगा अगर आप फुल फेस यूज करते हैं तो आई थिंक 4 या 5 टाइम। और ये कहता है कि ये डीप क्लींजिंग मास्क है जो आपके नोज से ब्लैकहेड को रिमूव करता है और साथ साथ आपकी जो स्किन है उसके डार्क स्पॉट को भी रिमूव करने में ये इफेक्टिव है। सेकेंड थिंग ये है कि इसके अंदर सारी डायरेक्शन है कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि अपने फेस को क्लीन कर लीजिए और वार्म टॉवल है उससे कर लीजिए, तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी। सेकेंड है जेंटली अप्लाई कर लिए अपने नोज और अपने चिन के फोरहेड के एरिया पर, और आई से अवॉइड करना है आपको। सेकेंड है जब ये सूख जाए, तकरीबन 20 से 25 मिनट ही लेता है सूखने में, जब ये सूख जाए तो आपको इसको पील करके निकाल देना है, बाद में अपने जो फेस को है वो साफ पानी से धो लेना है। ये सारी चीजें हैं। तो ये इतना ही डिस्क्रिप्शन है इस मास्क का, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसके अंदर से एक अजीब तरीके की केमिकली स्मेल है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है स्मेल में, तो मैं इसको अपने नोज एरिया में अप्लाई कर लेती हूँ। ये थिक और थिन लेयर की बात हो रही है। अच्छा, एक डिस्क्लेमर ये भी कि मुझे बिल्कुल भी ब्लैकहेड्स नहीं है, ना एकदम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे पोर्स टाइट है और मैं बेसिकली ट्राई करती हूँ कि मैं अपने पोर्स को टाइट ही रखूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टोनर अप्लाई करती हूँ और आइस क्यूब भी रब करती हूँ, तो ये मेरे बाल बीच में आ रहे हैं, तो मुझे ब्लैकहेड्स नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत व्हाइटहेड्स हो सकते हैं, तो देखते हैं ये उनके ऊपर कैसा काम करता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको इस एरिया पे ही अप्लाई करूंगी, ज्यादा दूर तक नहीं लेके जाऊंगी और इसके सूखने का इंतजार करेंगे। तो ये मुझे मास्क ऐसा ही लगाना आ रहा है, तो आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि क्या ये जबरदस्ती चीजें लगाई है इसने। तो मैं इसको थोड़ा और शेप दे देती हूँ ताकि देखने में तो एटलीस्ट सुंदर लगे। तो चलिए, ये मैंने अप्लाई कर लिया है मास्क, इसको रख देते हैं साइड में। और इसके अलावा इसके ऊपर ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं चारकोल जो है वो प्यूरिफाइंग स्किन को प्यूरिफाई करने के काम आता है, ब्लैकहेड्स से व्हाइटहेड्स ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले वो डार्क स्पॉट्स को खींचता है। ये चीज मुझे तब पता लगी जब मैंने पोंड्स का चारकोल फेस वॉश की एडवर्टीजमेंट देखी थी, और उस टाइम उसके बाद मैंने गूगल किया कि सच में क्या चारकोल काम करता है या नहीं करता है। तो डेफिनेटली चारकोल काम करता है। आप देखते हैं कि ये कितना काम करता है, क्योंकि 1000 रुपीज में अगर आप इस पर इतने ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि 1000 रुपीज तक इन्वेस्टमेंट ही है 4 से 5 बार के लिए, तो क्या ये डेफिनेटली आपके नाक से ब्लैकहेड्स या फिर जो भी है गंदगी वो निकाल पाता है या नहीं। तो चलिए इसको सूखने का इंतजार करते हैं, उसके बाद हम पेल इट ऑफ करेंगे इसको एंड देन फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। सूख जा। आई थिंक ये सूख गया है, तो इसको उतारना स्टार्ट करते हैं। ओफो, ये मैंने नेल पेंट लगाई थी ना, तो मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ पहले। Thank you.
मम्मी एक्सक्यूज मी आंसू आ गए। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा ही था कि मुझे कोई भी लैकेट्स नहीं है, तो इसमें लिटिल लिटिल हेयर जरूर है, जैसे कि जो आजू बाजू हेयर होंगे ना वो तो हैं। बाकी मैं अभी आपको बताती हूँ, इसको थोड़ा सा मैं धो के आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। सो ये डेफिनेटली नोज को काफी सॉफ्ट बना देता है, बट मुझे ब्लैकेट्स नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि मतलब कि मैं बता नहीं पाऊंगी कि कितना ब्लैकेट्स निकालेगा, लेकिन डेफिनेटली ये क्या करने में कामयाब होता है, ये आपके बालों को भी निकाल देता है। तो अगर बालों को भी निकाल देता है तो ये तो प्रॉब्ली है कि ब्लैकेट्स भी निकाल देगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, अगर आप पेन बियर कर सकते हैं तो डेफिनेटली इसको पूरे फेस पर अप्लाई करें, वरना नाक में भी आपको अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा इस मास्क के साथ। अगर आप लोगों को भी ग्लैमिको बॉक्स खरीदना है या सब्सक्राइब करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर के साथ 299 अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 1000 का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर अलग से आप 1000 रुपये स्पेंड करेंगे उससे अच्छा है आप ग्लैमिको बॉक्स खरीद लीजिए। तो ओवरऑल मुझे काफी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, तो ये था मेरा रिव्यू। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल बटन क्लिक कर दीजिए। मुझे मेरे सेकंड चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और उसके भी बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। काफी टाइम हो गया मुझे व्लॉग डाले हुए वहां पे, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहिए। अपने जो संदेश है मुझे लिख दीजिएगा कॉमेंट के थ्रू या फिर मुझे मेल के थ्रू। तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। जय हिंद।